शिवांश इज़ माई फेसबुक फ्रेंड और हम लोग मिले थे 4 साल पहले। अंजिता से मैं जब बात करता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। शिवांश मेरे एक वर्कशॉप में दिल्ली में मेरे से मुलाकात हुआ। मेरा पहला जो प्यार था उस जगह से मैं देखा जो सीजेंडर जो पुरुष हैं और हमें एक्सेप्ट करना उसका सोसाइटी उसका समाज में बहुत प्रॉब्लम था, पर शिवांश पहले से ही मुझे ये सपोर्ट सिस्टम में लाया, जो क्योंकि मैं सुबह से रात तक हमारा मूवमेंट जो है एक्टिविज्म जो है इतना लड़ाई के बाद, क्योंकि अभी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन में हमें हमारे जैसे इंसानों का कोई भी जगह नहीं है समाज पे, तो उस जगह से मैं टूट चुकी थी और उस समय शिवांश आया तो उस जगह मुझे लगा जो हाँ ये कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोग दोनों शायद दोनों के लिए ही बने हैं। और उसका भी फैमिली में वही प्रॉब्लम था, क्योंकि उसका भी फैमिली से वो सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा था। एक ट्रांस वूमेन से ज्यादा संकट वाली जिंदगी होती है एक ट्रांस मैन के लिए। मैं जी रहा हूँ और मैं इस तरह से, मेरे साथ रंजिता भी रह रही है तो रंजिता भी जानती है कि उससे दुगनी प्रॉब्लम मेरी है। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं कल भी नहीं थका था, मैं आज भी नहीं थका हूँ और मैं कभी नहीं थकूँगा। अंत मेरे परिवार में बहुत कोई नहीं है, पर शिवांश आने के बाद मुझे लगता है जो परिवार में हम लोग संगबद्ध हुए हैं।